शर्मिला जी बताइए, एलएन जी नुकसान तो इनका कम हुआ है क्योंकि आप देखिए 900 के ऊपर ये स्टॉक आया है आज के सेशन में, रख लेना चाहिए अभी थोड़ा सा या निकल जाएं? मुझे लगता है कि ये निर्भर करेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, लेकिन अगर उनका लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे लिए चिंता की बात सिर्फ इतनी है कि हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल है वो रिवाइव नहीं हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह का ऑर्डर बुक होना चाहिए उस तरह का रहेगा, क्या उनके मार्जिन ठीक रहेंगे एक्सेट्रा। लेकिन विद इन दैट स्पेस आई थिंक एलएनटी एक लीडर है, तो बिल्कुल आई थिंक अगर आपका लंबे समय का नजरिया है तो आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट इट इज अ स्टॉक दैट आई लाइक, तो मेरी सलाह में तो उनको बने रहना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। अगला शर्मिला जी आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए, उनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, बातचीत करेंगे शर्मिला जी से। लेकिन जो डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं उसके सबसे चंबल फर्टिलाइजर एक बार प्राइस देख लेते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स का, कहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उसके बाद व्यू लेंगे शर्मिला जी का। हालांकि हमने देखा कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ ट्रैक्शन बनते हुए दिखा था मई के दौरान ही। अगर चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो इनके भाव के आसपास ही है, 132 पर इसकी आज क्लोजिंग हुई है और 0.1% की मजबूती के साथ ही हुआ है क्लोज। शर्मिला जी 137 की बाइंग है चंबल फर्टिलाइजर, 132 पर बंद हुआ है, क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से होल्ड करिए, आई थिंक इनके नतीजे काफी अच्छे थे और हमने देखा है कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और अगर एक स्पेस है ये पूरे कोविड के दौरान जो ऐसा लग रहा है कि विच कैन होल्ड इट्स ओन, तो वो केमिकल और फर्टिलाइजर्स एज अ स्पेस है, क्योंकि हम देख ही रहे कि रूरल इकोनॉमी है वो थोड़ी कम डिस्टर्ब हुई है एज कम्पेयर टू अर्बन इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से इसमें जरूर बने रहिए और यस आई थिंक क्लोजर टू हायर लेवल्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरह के वैल्यूएशंस है और जिस तरह के नंबर्स है ऐसे लग रहा है कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, तो मेरे हिसाब से बने रहिए। तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। शर्मिला 50 रुपए की बाइंग है, एवरेज कर सकते हैं, क्या सजेशन होगा? मेरे हिसाब से इसमें से निकल जाइए और आप SBI में कन्वर्ट करिए अगर आपको PSU बैंक चाहिए, और अगर आप प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरे हिसाब से HDFC बैंक में इसी पैसे को लगा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दौर से ये पूरा बैंकिंग सेक्टर गुजर रहा है उसमें जो स्ट्रांग नेम्स है वही आगे चलकर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। दैट्स व्हाई आई वुड प्लेस माय बेट्स ऑन एन HDFC बैंक, और अगर आपको PSU स्टॉक चाहिए तो देन SBI। एग्जिट कीजिए प्राइवेट बैंक में HDFC और सरकारी में SBI, यहाँ पर आप निवेश कीजिए। विकल्प करना है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1508 की आपकी बाइंग है। शर्मिला जी बताइए रिलायंस इंडस्ट्रीज 1508 का परचेस प्राइस है, क्या करें ये? मेरे हिसाब से होल्ड करिए, स्पेशली इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि हम जिस तरह के इन्वेस्टमेंट देख रहे थे जो जियो में आए हैं दोज आर वेरी हार्टनिंग, और यही अब समझ में आ रहा है कि जियो का बिजनेस इट वोंट बी जस्ट लाइक अ टेलीकॉम बिजनेस, बट उसका स्केल अलग रहेगा और उसकी पॉसिबिलिटीज अलग रहेगी, सो इट्स वेरी एक्साइटिंग। बट एक बहुत इट्स अ नेसेंट स्टेज सो फार, तो मेरे हिसाब से आपको उसके बेनिफिट्स देखने हैं तो आप बने रहिए। यही है कि जो उनका बेसिक बिजनेस है रिलायंस का, देयर थोड़ा हम डैम्पनर देख रहे हैं फिलहाल, यू नो गिवन द फैक्ट कि क्रूड ऑयल प्राइसेस किस तरह के रेंज में है एक्सेट्रा। बट दैट सेड आई थिंक कि जो उनके नए बिजनेसेस है उसमें काफी एक्साइटमेंट है, तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप बने रहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। अतुल सोलंकी ने एक सवाल कर, निकल जाए 6 मंथ से अगर होराइजन है तो पर होल्ड रखें? सी आई थिंक यू नो ITC पर मेरी राय बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यू नो हम काफी समय से ये सुन रहे हैं कि जो उनका FMCG बिजनेस है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा बॉटम लाइन को, और फिर यू नो पिक्चर चेंज होगा, बिकॉज यू नो सिगरेट अगर आप ग्लोबली देखें तो इट्स अ रिलेटेड बिजनेस, और काफी फंड हाउसेस भी यू नो दे टेक जो ESG कहलाते हैं, दे डोंट वांट टू बाय ITC फॉर एथिकल रीजंस, तो इस तरह का आउटलुक है। बट फिलहाल आई थिंक कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं विच हैव एनकरेज्ड यू नो पीपल टू बाय द स्टॉक, तो मे बी अगर 5-6 महीने का व्यू है तो बने रहिए, बिकॉज 175 वाज अ गुड लेवल टू बाय इट एट, बट ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू नहीं है ITC पे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से व्यू बहुत एनकरेजिंग नहीं है, मुनाफे में है, आप निकल सकते हैं। हम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की स्पेसिफिकली बात करते हैं, ये स्टॉक भी अपने हायर लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, और अगर आज आप देखेंगे तो ये 567 के आसपास बंद हुआ है।
आज मैं हालांकि मैं 2% की बढ़त देखी है, लेकिन दिन के दौरान इसमें स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बनी थी, लेकिन एक समय में 1350 रुपए के इसके 52 वीक हाइज होते थे। लोस से ऑलरेडी ये 100-150 रुपए रिकवर थे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के इस पर एक व्यू लेंगे। शर्मिला जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर आपका क्या व्यू है? मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक जिस तरह से अब बातें हैं और जब लॉकडाउन खुलेगा तो शायद से कमर्शियल व्हीकल्स में नए खरीदने से लोग जो सेकेंड हैंड है उसके लिए शायद डिमांड ज्यादा होगी। ये बातें बाहर आ ही रही है कि वेदर इट इज सेकेंड हैंड कार्स या सेकेंड हैंड कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए क्वेरीज बड़ी है ये लॉकडाउन के पीरियड में। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रह सकते हैं इफ द व्यू इज लॉन्ग टर्म। मनीष सोलंकी ने सवाल भेजा है, कैनरा बैंक पर शॉर्ट टर्म कोई व्यू नहीं है एंड ओवरऑल हमने आई थिंक एक दो पीएसयू बैंक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, सो माय एडवाइस इज रियली टू एग्जिट और या तो एसबीआई ले इफ यू वांट अ पीएसयू बैंक, और अगर आप प्राइवेट बैंक लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक लीजिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। एक सवाल आया है अमित कुमार का, सुवर्ण लाइफ साइंस। ओवरऑल आई थिंक ये स्पेस के लिए चीजें इम्प्रूव हो रही है तो आई थिंक वो बने रह सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। एक और सवाल ले लेते हैं, संजीत कुमार ने भेजा है, अपोलो टायर्स जिनके पास 96.65 की बाइंग है, पहले तो अपोलो टायर्स पर आ दीजिए, इसके अलावा दो और स्टॉक्स इनके पास, पहले अपोलो टायर्स पर आप सभी। जैसे पहले हमने कुछ एक ऑटो एंसिलरी के बारे में बात किया था, आई थिंक द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर टायर आल्सो। तो अगर गाड़िया नहीं बिकेगी तो टायर्स यू नो डेफिनेटली आई थिंक कम ही बिकेंगे, तो लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रहिए नहीं तो निकल जाइए। और SBI 159 की बाएंगे, 1000 शेयर्स हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं SBI के। यस, सो आई थिंक बने रह सकते हैं क्योंकि आई थिंक अगर PSU बैंकिंग स्पेस में एक नाम है जहां पर होल्ड की रिकमेंडेशन होगी तो वो SBI है। और एक क्विकली स्पाइस जेट पर और आई दीजिए, 1000 शेयर्स है, 4490 की बाएंगे इनके पास। व्हाट इज द स्टॉक, आई एम सॉरी, स्पाइस जेट 4490 की बाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक एविएशन स्पेस हम देख ही रहे कि किस यू नो व्हाट द सिचुएशन इज, और फिलहाल ही फ्लाइट्स थोड़ी बहुत रिज्यूम हुई है, उसके साथ साथ कुछ बातें आ रही है कि शायद इस तरह के ट्रबल सेक्टर्स के लिए कुछ किया जाएगा, तो उसकी आप राह देख सकते हैं, पर उसमें से अगर कुछ नहीं निकलता है तो आई थिंक इसमें से निकल जाइए।